जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख दुख की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे ही और अधिक दुख प्राप्त होता है, और जो सुख में है उसे दुख प्राप्त नहीं होता। महादेव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने मनुष्य रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय उन्होंने माता पार्वती से कहा, हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन सामग्री का प्रबंध करता हूँ, तुम भोजन बनाओ। उनके जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों में ईंट लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव जी वहाँ पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव जी बोले, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महादेव ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंट निकाल कर ले आई। महादेव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया, तुम ईंट उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव अच्छी तरह से किया है, वो घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उनकी सुंदरता और बिगाड़ना उचित नहीं होता। महादेव बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है और अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वे अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे इतने शुद्ध और सुंदर भवन का निर्माण हो कि कोई इसकी ईंट भी निकाल ना पाए। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।